तो गाइस आज हम देखने वाले चिंचन की कहानी, कैसे चिंचन ने अपने जिंदगी के 99 इयर्स अपने हाथ के ऊपर काटे, कौन कौन थे उसके दुश्मन, कैसे वो नॉर्मल बच्चे से एवेंजर्स से जुड़ा। तो चलिए जानते हैं उसकी पूरी की पूरी लाइफ जर्नी। और आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन के अंदर ओपी स्टोरी लिखना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं मेंशन के ऊपर और हम देखने वाले चिंचन की कहानी। और ये मेरे ऊपर नहीं और चिंचन के ऊपर नहीं, हम दोनों को चिंचन की कहानी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐ है, मेरे को तो मेरी कहानी पता ही, और मेरे को तो बहुत बार बता चुका है। तो आप लोग बोलोगे किसके लिए ये कहानी रची गई है। तो आप लोगों के सामने ये है पिंचन, जिसे कि हमारे ग्रीन लैंटर्न ने मिरर वर्ल्ड से लाया है। ये बोला कि चलो पिंचन को शिंचन से मिलवा देते और ग्रीनचैन से मिलवा देते, इसीलिए हमारा ग्रीन लैंटर्न मिरर वर्ल्ड के अंदर से पिंचन को यहाँ पे लेके आ चुका है। ये मिरर वर्ल्ड का पिंचन है और ये रियल वर्ल्ड का शिंचन है। आप लोगों को पिंचन से मिलके कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या शिंचन पिंचन क्या हाल चाल? ए मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, पिंचन को मिलकर बहुत खुशी हुई। ए मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मेरे को तो ग्रीनचैन से मिलना है और शिंचन से तो मैं मिल चुका हूँ। गाइस आप लोगों को मुझसे मिलके कैसे लगा कमेंट सेक्शन के अंदर ओपी स्टोरी लिखना मत भूलना। और है हम लोग 6 लाख के बहुत नियर है, हमें प्लस की स्पीड से 6 लाख सब्सक्राइबर तक जाना है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे। व्हाट, तुझे ये डायलॉग कैसे पता? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने ग्रीन लैंटर्न से पूछ लिया आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा है। अबे भाई साहब यार, टीम पावर लैंटर्न पावर बता देता, नहीं तो ग्रीन लैंटर्न की पावर बता देता, ये क्या डायलॉग बता दिया। अरे यार मैं क्या करूँ यार, इस बच्चे ने पूछा तो मेरे मुँह में वही बात आ गई। तू हर बार कहता है तेरे व्यूवर्स तेरी विश नहीं पूरी करते। अरे हाँ मेरी विश पूरी नहीं करते पिंचन, यार हो सके तो यार मेरे व्यूवर्स को बोल दे यार, वो कर देंगे तेरी बात मान के। ओके तो मैं बोल देता हूँ, गाइस यार प्लीज विश पूरी कर दो, फटाफट कर दो सब्सक्राइब, मैं तो भी रोना जाएगा। अब तो यार सब लोग करेंगे सब्सक्राइब, इसके ऊपर तो टोनी। अरे हाँ हाँ पार्टी देता हूँ। हाँ कब देगा? तेरे बर्थडे पे। तो चल जल्दी स्टार्ट कर, मेरे को थोड़ा रिनोवेशन करना है। हाँ हाँ रिनोवेशन करना है। ओके तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे शिंचन की लाइफ जर्नी, उसने जिंदगी के 99 इयर्स कैसे काटे वो हम देखने वाले। और हल हाँ फ्रैंकलिन बोल, तुझे करण से इतना प्यार हो गया है? हाँ बहुत प्यार हो गया है। हाँ तो उससे शादी कर ले। गो गो फ्रैंकलिन। कुछ नहीं कुछ नहीं टोनी, स्टार्ट कर जल्दी जल्दी। स्पाइडी अले हाँ 6 लाख बाल बटन को दबा दिया। अले 6 लाख तो बाल दबा दिया, कहते आप लोग भी 6 लाख सब्सक्राइबर करो। तो पिंचन रेडी है? ए मैं तो बहुत रेडी होता है। तो चलो चलते हैं शिंचन की कहानी के ऊपर। ये कहानी है उस टाइम की, जिस टाइम बहुत तेज से बरसात हो रही थी। हमारा शिंचन हाल ही में पैदा होता है, उसके मम्मी पापा उसका नाम रखते हैं। शिंचन रखे क्या? ए हाँ बहुत अच्छे नाम है शिंचन। शिंचन बेटा बाहर आ जा। अरे मम्मी मैं आ रहा हूँ बाहर। ए तू क्या कर रहे, तू नहाया नहीं? अरे मैं अभी भी नहाया था ना। अरे बेटा ऐसे कैसे नहाते, कितना गंदा नहा गया, मेरे को ढकेले क्या? अरे मैं इतने भी कुछ खास नहीं हूँ। अरे शिंचन ये डायलॉग तो तू तभी मारता था। ए मैं क्या करूँ, मैं तब भी कुछ खास नहीं था, अब भी कुछ खास नहीं हूँ। अरे मम्मी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मेरे दोस्त आने वाले, मैं दोस्त के साथ खेलूंगा। अरे तुम आ गई? ए हाँ मैं आ गई। अरे तो चलो खेलने चलते हैं। अरे ये कार तो बहुत अच्छी है, इस कार को लेके चले। अरे मेरे को कार चलाने नहीं आता, बस में चलेंगे। और ऐसे खेल खेल के बहुत सारे दिन निकल जाते हैं और खेलते खेलते हमारा शिंचन कब बड़ा हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। ए तो चलो चलते ही। अरे बेटा रुक जा। अरे शिंचन बेटा रुक जा। अब तुमने वही कपड़े क्यों पहने हैं? अरे यार आज तेरा जन्मदिन है ना, तू जब पैदा था हमने तब भी वही कपड़े पहने थे, आज मैंने जो पहने। और हाँ मैंने भी, इसीलिए हमने सेम कपड़े पहने। ओके ऐसी बात है क्या, चलो चलते हैं। आज तुम्हें ड्राइव करने वाला हूँ, आज तुम्हें 5 साल का हो गया हूँ ना। अरे शिंचन बेटा 5 साल के लड़के को ड्राइविंग अलाउड नहीं है। ओके तो अब चलो आज हम कहाँ पे जाने वाले हैं? अरे आज हम मॉल पे जाने वाले हैं। अरे तेरे पापा आज है ना, खाना खिलाने के लिए जाएंगे। लेकिन शीरो कहाँ पे है? ए मुझे पता है शीरो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा शीरो। शीरो तुम यही फिर कर, हम जाके आते घूम के टिके। अरे शीरो को लेना तो चलो। नहीं शीरो को नहीं लेना, चलो अपने क्या कार चेंज कर दी। अरे तुझे पता नहीं हमें 2 कलर की कार है, हम तो बहुत अमीर है। अरे चलो 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 बैठो बैठो बैठो, शिंचन बैठ गया बच्चे। मैं बैठ गया, मम्मी आप बैठो। अरे मैं पापा के सामने बैठ जाती हूँ। मैं तो पीछे बैठ जाऊंगा, चलो चलते है घूमने के लिए। और उस टाइम उस फैमिली को पता नहीं था उनके साथ एक बुरा हादसा होने वाला है। वो बहुत खुश थे, वो पार्टी करने के लिए शहर में मॉल में जाने वाले थे। आज उनका बहुत ही सुहाना दिन था, मौसम भी अच्छा था, सब जगह के ऊपर ठंड थी, इसमें गरम गरम खाने का मजा ही कुछ और था। ये सोच के वो पूरी फैमिली शहर में जा रही होती है, तभी अचानक उनके सामने एक कार आ जाती है। वो बहुत अजीबोगरीब होती है, उसको देख के उनकी कार अनबैलेंस हो जाती है और आगे। ए पापा क्या हो गया?
है। अरे बच्चे वो काऊ मुझे थोड़ी सी अजीब गरीब लगी। अरे पापा सामने देखो ये कौन है, ये तो भैंस देखा दिख रहा है। अरे ये तो भैंस है। और उस टाइम वो जो भी बंदा था वो उस लाल कलर की गाड़ी को देख के बहुत गुस्से में आ जाता है। कौन सा मॉन्स्टर था किसी को नहीं पता, लेकिन नोहारा फैमिली ने अपनी ब्लू कार छोड़ के रेड कार चूज की। वो उनकी गलती हो जाती है और वो बंदा उसके पिता को उठा लेता है। ए मेरे पापा को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो। शिनचैन की मां, आप अंदर ही बैठो, मुझे लगता है खतरनाक है कोई। तो मैं खतरनाक हूँ, ये लो। ए पापा नहीं। उस टाइम शिनचैन के पापा को वो जो मॉन्स्टर था पूरी तरीके से मारता है। अरे ये क्या कर दिया तूने, हिरोशि को मार दिया। तुम कौन हो, तुम्हें भी मारूंगा, ये ले। ए पापा को मारा, मम्मी को मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं। मम्मी मम्मी ये क्या कर दिया, मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, ये ले ये ले। और उस टाइम हमारा शिनचैन उससे फाइट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और शिनचैन का लक बहुत अच्छा था, जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पे मैं हूँ दुनिया का रखवाला, एक्शन कमान। एक क्या कहा, एक्शन कमान, इसने मेरे मोमेंटेड को मार दिया, प्लीज इसको मारो, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसने मेरी मम्मी को मारा, मारो इसको। बच्चे डरने की क्या बात है, इसको तो मैं चुटकियों में हरा देगा, इसने मारा था तेरी मॉम को, ये देख मैंने पकड़ लिया है, इसके साथ क्या करना है बोल। इसको बहुत मारो, इतना मारो इतना मारो, ये मर जाना चाहिए। ऐसी बात है, तेरी विश सर आंखों पर, ये ले, छोड़ने वाला इसको मैं, इसकी तो अच्छा बताइए, इधर आ, ये ले। हाँ, एक बच्चे के फैमिली को मारता है, वो भी बस लाल कलर की वजह से, कैसा घिनौना मॉन्स्टर था, कहाँ पे चल गया। ये रहा शिनचैन, तेरे सामने भी इसको मार रहा हूँ, ध्यान से देख, तेरे मम्मी पापा का बदला लेगा मैं, आज इसका आज तेरे सामने होगा, जिस हिसाब से इसने तेरे मोम और डैड को मारा था इसका भी बदला लेकर। ये ले, हाँ, ये ले, इसका सर काट दिया, इसका सर नहीं रहेगा, तो ये किसको मारेगा, निकल जाए यहाँ से। इसको मार दिया, लेकिन मेरे मम्मी और पापा को तो इसने मार दिया है, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे तो मेरा साथ देगा तो मैं तेरे फैमिली को जिंदा करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। चलो आज मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी करता हूँ। मतलब क्या, ये क्या कर रहे हो, एक्शन कैमन। मैं तुम्हें एक्शन कैमन बनाऊंगा फ्यूचर का, तुम्हारे मम्मी डैडी की कुर्बानी में वेस्ट नहीं करने दूंगा, तुझे भी मैं एक रखवाला बनाऊंगा मेरी तरह। ओके, ये बात है क्या, ये क्या हो रहा है मेरे को, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ ये हो क्या रहा है। अभी तुझे पता चल जाएगा बच्चे, पूरी पावर एक्शन। ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, मैं तो आपके जैसे बन गया, एक्शन का मैं। और बच्चे अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, ठीक है। और हाँ, रही बात तेरे मॉम और डैड की, उनकी जरा भी फिक्र मत करना, मैं उन्हें जिंदा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपके ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ, मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगा। ये क्या बच रहा है। हाँ बोलो नन्ने को, क्या हुआ। शहर में दो जगह के ऊपर हाई गोरे के लोगों ने हमला कर दिया है, एक्शन का मैं, तुम्हें दो जगह के ऊपर जाके उन्हें बचाना पड़ेगा। एक जगह के ऊपर तबाही मच चुकी है और एक जगह के ऊपर किसी फैमिली को जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है, टाइम स्टोन को पावर देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अरे ये तो बहुत गलत बात है। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे तू एक काम कर, मैं शहर में जाता हूँ, मॉन्स्टर को लड़ता हूँ, और तू जाके उन फैमिली को बचा, जिन फैमिली को वो लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, कोई शायद शिनचैन बन चुका है, एक्शन कमिंग, मैं हूँ एक्शन कमिंग, मैं आ रहा हूँ फैमिली तुम लोगो को बचाने के लिए। अरे बच्चे ऊपर नहीं है नीचे। मैं थोड़ी सी स्टाइल मर रहा था, मैं भी एक्शन कमिंग बनना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ एक्शन। अरे ये क्या, मेरे पास तो बहुत पावर आ गई है, ये तो देखो मैं कितनी तेज उड़ पा रहा हूँ और भाग भी पा रहा हूँ, इतनी सारी कार्स मेरे पीछे जा पा रही है। ओ भाई साहब, मैं कितनी तेज भाग पा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे मैं तो गलती से शहर में आ गया है, फिर से चलता हूँ विलेज के अंदर। ये क्या, मैं तो विलेज के अंदर पहुँच भी गया इतनी तेज। ये रही विलेज, यही पे होगा वो घिनौना मॉन्स्टर, कहाँ पे हूँ मॉन्स्टर, एक्शन कमन आ चुका है। ये रही वो जगह, कहाँ पे होंगे वो मॉन्स्टर, मैं आ चुका हूँ दुनिया का रखवाला, शिनचैन तुम लोगों ने मेरे मोमोटेट को मारा, अब तुम लोगों की बात है। अब शिनचैन इतना बड़ा हो चुका था, उसकी एज हो चुकी थी 25, वो एक्शन कमिंग का राइट हैंड बन चुका था, वो एक दुनिया का रखवाला था और वो एक फैमिली को बचाने के लिए जा रहा था। आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो करो, आपको क्या लगता है शिनचैन उन सारे विलन्स को धूल चुका पाएगा, अगर हाँ तो नीचे कमेंट कर देना, और हाँ लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।
कुरे के वासी हो, हमें इनकी बलि चढ़ानी पड़ेगी। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? इन तीनों की बलि चढ़ाओ और टाइम स्टोन को हासिल करो। हमें दुनिया पे राज करना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या हो गया? ये लोग तो इन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे इन्हें बचाना ही पड़ेगा। इन्हें मैं बचा के रहूंगा। शिनचैन आ चुका है। तुम लोग उस फैमिली के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे दुनिया का रखवाला शिनचैन तुम्हारा आ चुका है, वो भी 25 ईयर्स का है। तुम लोगों की वाट लगा के रहेगा। ये कौन चूजा आ गया? तुम दोनों इसको संभालो, तब तक मैं आता हूँ। टाइम स्टोन की पावर बढ़ानी है, अच्छे से इसका खातिरदारी करना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग जाओ, ऐसे मैं इन लोगों को संभाल लेता हूँ। तुम लोगों को बचने के लिए आ चुका है फ्यूचर एक्शन का बीन। अरे क्या कर दिया इसने? इसने तो इनको भगा दिया। हाँ भगा दिया, अब तुम लोगों को भगाऊंगा जैसे तुम्हारा बॉस भाग गया। वो भागे नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें बताएंगे बाद में। ऐसी बात है क्या? ओके अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ये ले तेरे से की दीदी, देख तेरे भाई को किसे मारा। ये ले, बचाओ रे बचाओ, मारो रे। अरे आई गुरे के बंदे को मार रहा, तू क्या देख रहा है? अबे दोस्त क्या दुश्मन है? अबे मार इसको। ए वो तुम्हें नहीं बचाएगा क्योंकि तुम्हें पंजी इतने पड़ रहे कि उसकी फट जाएगी पंजी देख के। ये ले, तबाही का आखिरी नाम है शिनचैन। ये ले, आग जैसे उड़ा दिया इसको तो, आग लग गई, अब तेरी बारी। अरे ये क्या हो गया इसको? ये तो कितना बड़ा बन गया। अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुकाबला करेगा मेरा। एक कोई शक, एक काम करना पड़ेगा, इसको थकाना पड़ेगा। ये तो मेरी दरबार है भाग भाग की। छोड़ूंगा नहीं तुझे। ए मुझे पकड़ के दिखा गए, जिसको मुझे पहले थकाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही ना जो इंसान बहुत बड़ा होता है वो भाग भाग के कमजोर हो जाता है। मैंने मूवी के अंदर देखा था, अब इसकी बात है, पकड़ के दिखा बेवकूफ। अरे कहाँ पे भाग रहा है? अरे यहाँ पे हूँ, यहाँ पे। ओ थकावट हो रही है, मुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ के दिखाया। अरे कहाँ पे है ये? अब तेरी इसी के तेजी बहुत हो गया, इतने बड़े ट्रक को मैं तेरे ऊपर फेंकूंगा। अरे नहीं, ये ले फेंक दिया, इसको तो मैंने तबाही कर दिया। अब आखिरी अटैक, ये ले, सब कुछ तबाह कर दिया है शिनचैन ने। चलो मैंने सबको खत्म कर दिया है, अब चलते यहाँ से। मुझे लगता है कुछ तो रह गया है, कोई तो अभी तक बचा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? तू मेरी बात कर रहा है क्या? मैं बच गया हूँ यहाँ पे। ये कौन है? अरे ये तो वही है इनका बॉस, ये बच गया। नहीं, एक्शन कमिंग, बचाओ। और उस टाइम वो जो बंदा होता है वो शिनचैन को इतना मारता है कि एक टाइम पे शिनचैन बेहोश हो जाता है। और वो जो बंदा होता है वो शिनचैन को लेके एक जोरदार पंच मार देता है और वो वहाँ से एक कोस दूर जाके गिरता है। मेरे से पंगा ले रहा था बेवकूफ। हाय गुरे, शिनचैन कहाँ पे? जो तुझे रोकने के लिए आया था, तेरे सारे के सारे मॉन्स्टर को मैंने चुटकियों में भगा दिया है। पता कहाँ पे शिनचैन? मर गया। क्या कहा? उसकी फैमिली को मार दिया, उसे मार दिया। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तूने छोटे से बच्चों को मारा, ये ले। करंट लग रहा है। अब तुझे करंट नहीं, झटका लगने वाला है। तूने उसके फैमिली को मारा, उसके सपनों को मार दिया और तेरा अंत तेरे सामने हो चुका है। ये ले मैंने उसे वादा किया था, उसका दोस्त बन के रहूंगा, उसकी फैमिली को मैं वापस लाऊंगा, लेकिन तूने ये पूरा होने नहीं दिया बेवकूफ। इधर आ, ये ले। मैं उसकी फैमिली को जिंदा करने वाला था, लेकिन तूने उस बच्चे को ही मार दिया। ये ले। को तो मैंने राख कर दिया, लेकिन शिनचैन मर चुका है। उसकी फैमिली को तो मैं जिंदा कर पाऊंगा। इसकी आत्मा, इसकी पावर मैंने छीन ली है, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। शिनचैन, मैं तेरी फैमिली को जिंदा करके रहूंगा। ये एक्शन कमिंग का वादा है। अभी के लिए मैं दूसरे डायमेंशन में जा रहा हूँ ब्रह्मांड को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ हमारा शिनचैन मरा नहीं होता, वहाँ पे वो बेहोश था। ये बात हमारे एक्शन कमिंग को पता नहीं थी, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं से हमारा दोस्त यानी फ्रैंकलिन वहाँ से गुजर रहा होता है। वो अपने नए घर की प्रॉपर्टी के बिल्स पे करने के लिए गांव के लिए निकल रहा था, और ये घर वही है जहाँ पे फ्रैंकलिन अभी रहता है, उसी के लिए वो जा रहा होता है। अरे ये क्या हो गया? अबे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। उसे भाई साहब, यार मेरी कार ठोक दी बेवकूफ। कहाँ पे गए वो? व्हाट, यहाँ पे कोई तुम्हारा पड़ा है? अरे कौन है ये? हेलो उठ जा भाई, हेलो।
यार ये बेहोश है, मुझे जल्दी इसके ऊपर वाटर डालना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये तो कोई बच्चा है। अबे तू तो छोटा है, 5 साल का लग रहा है मेरे को। मैं 5 साल का हूँ, मेरे कोई भी नहीं है, मेरी फैमिली भी मर चुकी है, मेरे पापा को भी पास है इन लोगों ने। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, अब कौन हूँ? शुक्रिया आपने मुझे बचाया, अब मैं यहाँ पे चिंता नहीं रहना चाहता, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। अबे रुक रुक, मैं हूँ भाई, मुझे पता क्या करना है। अब क्या ही रह गया है पूरी जिंदगी में, मेरे पापा माँ कुछ भी नहीं बचे, अब मैं यहाँ पे चिंता रह के क्या करूँगा, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। अबे नहीं नहीं टेंशन मत ले बच्चा, तेरा नाम क्या है? शिंचाई। हाँ शिंचाई शिंचाई, तू एक काम कर, पहले तो ये सूट निकाल दे। ये सूट के अंदर तो फिट कैसे हो गया? ये बहुत अच्छी सूट है, और ये कोई सूट नहीं है, मेरी पावर है। अभी ये कुछ काम की नहीं है, मेरी पावर भी चली गई, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। देखो सामने ट्रेन आ रही है, ट्रेन के सामने घुस जाता हूँ। अबे नहीं नहीं नहीं, तू मेरे पीछे आ जा। लेकिन आप कौन हो? आप कोई किडनैपर हो? अबे मैं किडनैपर नहीं हूँ भाई, तेरे को मैं थोड़ा सा खाना वाना खाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मुझे लगता है आप तो मुझे जहर देके मारने वाले हो। ओके चलो चलते हैं। अबे मैं जहर देके नहीं मारने वाला बेवकूफ, तुझे खाना खिलाने के लिए जा रहा हूँ। ये क्या बला गले पड़ी है भाई मेरी। एक काम करता हूँ, इसको खाना खिलाता हूँ और छोड़ देता हूँ। मेरे को लगा ही था आप मुझे छोड़ ही दोगे, इससे चबर नहीं देती। अरे भाई भाई, मतलब खाना खिलाऊंगा और बाद में तेरा रास्ता तू पकड़ और मेरा रास्ता मैं पकड़ता हूँ, इसका मतलब भी वही होता है, आप मुझे फेंक दोगे। अबे मैं क्यों फेंकूंगा, तो मेरे को उठाया क्यों? तो मैंने कब उठाया तेरे को? इसका मतलब आप मुझे पकड़ के लेके जा रहे हो। हेलो बचाओ बचाओ, किडनैप हो चुका है एक छोटे से बच्चा, प्लीज प्लीज प्लीज। रो रो बच्चा चोरी करता है, बच्चे को पकड़ता है, किडनैप करता है। अरे अंकल ये बच्चा मेरा ही है, ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, ये मैं नहीं चुरा रहा था। ओके ओके, अपने बच्चे को कंट्रोल करके रख। अबे अंकल पागल लगते ही, मैं इनका बच्चा नहीं हूँ। अरे भाई भाई आप बच्चा नहीं है भाई, बच गए यहाँ पे। यार अब ये क्या गला बले पड़ी है भाई साहब, ये बोल रहा है मैंने इसको पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा तेरे को। तो एक काम करो, मुझे जैसे उठा के लाए है वही पे रख दो, मैं वहाँ पे मर जाता हूँ। अरे यार इतने अच्छे छोटे से बच्चे को, क्यूट क्यूट बच्चे को मैं मरने नहीं दे सकता। चल मैंने अभी बोल ही दिया तो तू मेरा भाई बन जा, चलेगा? तेरा वैसे कोई भी नहीं है। क्या क्या भैया भैया, अब तेरे को मेरा नाम कैसे पता? मैंने वहाँ पे पीछे पॉकेट पड़ा था, उसके अंदर पैसे पड़े थे, उसमें आपका नाम देख लिया। आपके पास तो रोटी कौड़ी नहीं है, आप मुझे क्या पालोगे? अबे भाई साहब तू चल चल, मैं दिखाता हूँ, चल चल तू चल चल। नहीं नहीं बहुत हो गया, मेरे चरित्र पे तूने उंगली की है, अब तुझे पता था मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास एक डॉगी भी है। उसके नाम शीरो है क्या? नहीं उसका नाम है चॉप। ऐसा किसका नाम है? चिप चॉप। मंकी है क्या कोई? अबे बेवकूफ मंकी नहीं है यार, ये क्या गला बले पड़ी है, भगवान ये क्या चीज दी मेरे को तुमने। और इस तरीके से फ्रैंकलिन और शिनचैन एक हो जाते हैं, ना फ्रैंकलिन शिनचैन को छोड़ने की जिद मारता है और ना शिनचैन फ्रैंकलिन को। इस तरीके से फ्रैंकलिन और शिनचैन एक हो चुके हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। ये क्या हो गया, कहीं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मेरी मम्मी पापा तो भी इस दुनिया में है ही नहीं, मेरे को भी सब कुछ याद आ गया। अरे शिनचैन मैं हूँ ना भाई, रोने का नहीं यार, मैं हूँ, तेरे को रोने नहीं दूंगा मैं। शिनचैन तेरे को एक सरप्राइज है। कैसे प्रीति? वहाँ पे तो कौन आया है तेरे को मिलने के लिए? कौन आया है? मम्मी पापा शिरो। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं मम्मी पापा अब तो जिंदा हूँ। अरे हाँ मैं जिंदा हूँ बच्चे, और तेरे पापा भी। अरे हाँ मैं बहुत जिंदा हूँ। और शिरो कैसा है? शुक्रिया ग्रीन लैंटर्न मेरी मम्मी पापा को मिलवाने के लिए। शिनचैन लेकिन एक बुरी खबर है। अरे वो क्या? ये जो मम्मी पापा है ना, ये तेरे नहीं है, ये मिरर वर्ल्ड के मम्मी पापा है, और जो कि शिनचैन के है। अबे क्या बोल रहे ग्रीन लैंटर्न सच्ची में? अरे हाँ शिनचैन तेरे मम्मी पापा उस टाइम मर गए थे, लेकिन तेरे मम्मी पापा मिरर वर्ल्ड में जिंदा थे, समझा? ओके ऐसी बात है क्या? लेकिन मैं अपनी मम्मी पापा से कभी भी मिल सकता हूँ क्या? अरे शिनचैन हाँ कभी भी मिल सकता है। ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब मैं क्या करूँ, जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो होगा ही ना। ये हुई ना बात बड़े बच्चों वाली बात, अब तू लगता है बहुत बड़ा हो रहा है, और शिनचैन तू बहुत लकी है कि शिनचैन के पापा तुझे मिले। और शिनचैन तू ऐसा मत सोच, तेरे मम्मी डैडी मर चुके हैं, वो बस शिनचैन के मम्मी पापा बन चुके हैं, समझा कुछ? मैं समझ गई है, आपसे ज्यादा तो डायमेंशन मिरर वर्ल्ड और अलग अलग ग्रह के बारे में मुझे ही ज्यादा पता है। हाँ वो देखा जाएगा। हाँ तू जा शिनचैन क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या खड़ा है शिनचैन? शिनचैन क्या कर रहे हो? जाओ अपने मम्मी पापा के साथ मजे करो और थोड़ा सा घूमो फिरो, ठीक है? अरे फ्रैंकलिन मुझे पता है तुझे ये बात की डर है कि ये लोग शिनचैन को लेके ना जाए। अरे यार चुप बैठ यार, मुझे रोना आ रहा है यार, ऐसी बात मत कर यार, कभी ऐसी चीज ना हो पाए। अरे टेंशन मत ले यार, हम है ना तेरे साथ, नहीं होगा ऐसा कुछ। यार वो दिन मुझे याद है जब वो मर रहा था, मैंने उसे उठाया था, जाने अनजाने में वो मेरे साथ रहने लगा, लेकिन वो अब मेरा फैमिली का हिस्सा है,
यादें तो बहुत ताजा होती है और दिन तो जल्दी निकल जाते हैं। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अरे शिनचैन, आप रो रहे हो? अरे नहीं रो रहा, नहीं रो रहा, गलती को यार फ्रिकल रो रहे हैं। जल्दी जल्दी फ्रिकल के लिए 6 लाख सब्सक्राइबर कर दो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। चलो पापा शिनचैन चलते हैं घूमने के लिए। और हाँ, एक खुशखबरी है शिनचैन। क्या हुआ ग्रीन लैंटर्न? तेरा ये जो भाई है ना शिनचैन, वो मिरर वर्ल्ड का, वो तेरे साथ ही रहने वाला है आज से। इसका मतलब शिनचैन ग्रीन चैन शिनचैन एक साथ? अरे हाँ, और एक और खुशखबरी है। और क्या? तेरे मम्मी पापा भी यही पे रहने वाले हैं मैंशन के ऊपर। ओह माय गॉड गाइस, इसके ऊपर तो लाइक की बरसात कर दो। चीरो क्या कहा, सब कुछ यही पे रहने वाले हो? ओ भाई साहब, गाइस मजा आ गया। भाई साहब, ये वीडियो तो मेरे लिए सबसे फेवरेट वीडियो था। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए।